राजेंद्र ग्राम लेपंस मर्यादित केंद्र लीला टोला अंतर्गत ग्राम पंचायत ठाड़ पाथर में उचित मूल्य की दुकान को जय माता की महिला स्व सहायता समूह के हस्ते कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जय माता की महिला स्व सहायता समूह के नाखुश ग्रामीणों ने समूह को हटाए जाने को लेकर शिकायत की है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर अनूपपुर, थाना करण पठार, अनुभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ SDM एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुष्पराजगढ़ को लिखित में ग्रामीणों ने शिकायत दी है, जिसमें आज दिनांक तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। शिकायत पत्र में ग्रामीणों द्वारा उल्लेखनीय है कि हम गरीब ग्रामीणों के साथ गलत व्यवहार करते हुए अपने मनमर्जी अनुसार राशन का वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनेकों योजनाओं का लाभ दिया जाता है, किंतु एक ऐसी उचित मूल्य की दुकान है वह ठाट पाथर में है, जहाँ अपने मनमर्जी अनुसार राशन वितरित किया जाता है। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम लोगों को बराबर तोल कर गल्ला भी नहीं दिया जाता है। हर राशन कार्ड धारियों में से आधा किलो से एक किलो तक राशन कम कर देने की बात सामने आई है, जिससे हम ग्रामीण जन परेशान होकर यह कड़ा कदम उठाए हैं। और हमारी मांग है कि शासन प्रशासन से हमारे ठाट पाथर में उचित मूल्य की दुकान में चल रही जय माता की महिला स्वयं सहायता समूह को हटाकर शासन की तरफ से सेल्समैन नियुक्त करने की मांग की गई है। KRN न्यूज के लिए अनूपपुर से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट।